रामगढ़ के सेलरी फैक्ट्री यूनिट इफको मरार में पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री ददई दुबे का जोरदार स्वागत किया गया, जहां इफको गेस्ट हाउस में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों ने अपनी बातों को रखा। साथ ही सेल में ऐतिहासिक वेज रिवीजन के लिए ददई दुबे को बधाई भी दी गई। मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कर्मचारी प्रबंधक से पिछले 10 से 15 सालों से एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधक का रवैया सही नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस कर्मियों को उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे दुर्घटना होने पर कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं खगेंद्र साहू ने कहा कि स्कूल बस काफी पुराना एवं जर्जर हो चुका है और स्कूल भी खुल चुके हैं, बस खराब होने के चलते वह वहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से पठन पाठन में असुविधा हो रही है। आज कोई भी दिक्कत यहाँ होगी, मजदूरों को यहाँ दिक्कत है, ठेका में काम करने वाले मजदूर जो आउटसोर्सिंग के रूप में काम करते हैं यहाँ, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती है। खाली यही नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है, कई जगह नहीं मिलती है। लेकिन मैं उस सारे काम को करने के लिए तैयार हूँ, आया हूँ, और हम यहाँ एक कमेटी बनाना चाहते हैं। जो कमेटी बाहर की नहीं हो, वो कमेटी यहाँ का मजदूर का हो, यहाँ के लोगों का हो। अरुण बाबू जैसे लोग इस यूनियन में रहे, क्योंकि इनका घर बगल में है, हर समय काम आएंगे ये। ऐसे लोगों को साथ में लेकर के और यह काम होगा। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। संवाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जाँच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस में सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन